नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। आप देख रहे हैं वीपी टीवी। जगराऊ पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव भुमाल के नजदीक एक पुदीना फैक्ट्री के नजदीक कुछ लुटेरे बैठे थे और ये लुटेरे इलाके में किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। और पुलिस ने जब मौके पर जाकर छापेमारी की तो चार लुटेरों को काबू किया। उनके दो साथी भागने में सफल हो गए। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए मोटरसाइकिल, इसी के साथ साथ चार पिस्तौल भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि ये लुटेरे मोटरसाइकिल लुधियाना के स्टैंड, अमृतसर के रेलवे स्टेशन और तरनतारन सिटी के आसपास के इलाकों से चोरी करते थे। मौके पर आज लुधियाना के डीआईजी गुरुशरण सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोषियों को पकड़ लिया गया है और हमारी पुलिस टीम इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि इसके अलावा इनकी और भी कई वारदातों का पता लगाए। पैंठ मोटरसाइकिल बरामद करके बहुत वधिया प्राप्ति हासिल की है। एस एस पी श्री सुरजीत सिंह इंचार्ज सी आई ई वालों चलाए गए अभियान च 65 मोटरसाइकिल बरामद किए गए, चार दोषी गिरफ्तार किए गए, दो की गिरफ्तारी अजे बाकी है। तफ्तीश के दौरान होर भी अहम खुलासे होने की संभावना है और होर भी मोटरसाइकिल रिकवरी जी हैगी होगी। ये अजे शुरुआत है, सानू उम्मीद है कि ये जो दोषी है इन्हों तो होर अगे जिन्हों के तार कई होर अगे सिलसिले जुड़े होंगे उन्हों बारे पता लगेगा और अगे किस तरह ये मोटरसाइकिल कितने बेचे जाते थे, किस तरह इन्होंने नंबर लगाए जाते थे, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। असी वैपन भी बरामद किए हैं, इन्हों की मोटर सुपरेंडी जी सी चोरी करना और खोना दोवें सी स्नैचिंग करने वास्ते वैपन का इस्तेमाल करते थे, नाल ही ये ट्रांसपोर्ट स्मगलिंग के भी इनवॉल्व थे। सो वो भी बरामदगी जी है लुधियाना पुलिस ने की है। सो ये इंचार्ज सी आई ए इंस्पैक्टर लखविंदर सिंह, उन्हों की टीम और एस एस पी श्री सुरजीत सिंह की रहनमई हेठ जो ये काम किया गया है ये बहुत ही श्लाघाजोग है और इन्नी वड्डी गिनती मोटरसाइकिलों की रिकवरी अपने आप के एक मिसाल है।